तो पिथौरागढ़ जिला बने हुए 63 साल होने पर है, वहीं आज जिले के विभिन्न संगठनों के लोगों के द्वारा जनपद भर में जगह जगह पर अनेकों कार्यक्रम किए। वहीं पिथौरागढ़ जिले के शहीद स्मारक स्थल उल्का देवी मंदिर परिसर व मानसरोवर वाटिका में कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी के पहल पर जिले के विभिन्न संगठनों द्वारा पिथौरागढ़ की 63वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर विभिन्न प्रजाति के 63 पौधों का रोपण किया गया। साथ ही साथ शहीद स्मारक स्थल में 63 दीपक जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया गया। उक्त कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया, साथ ही स्कूली बच्चों ने भी उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। दौरान सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे के द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को पिथौरागढ़ के इतिहास के बारे में बताकर सभी को रूबरू कराया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से जानकारी आपको दे रहे हैं। जिले की 63वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन मानसरोवर वाटिका में पौधारोपण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। मांस के विभिन्न वर्गों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और 63वीं जिले की वर्षगांठ हमने धूमधाम से मनाई। 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे मानसरोवर वाटिका में लगाए, जिसमें बच्चे भी शामिल रहे और एक हमने पर्यावरण का संदेश आज के इस वर्षगांठ के अवसर पर दिया और लोगों से कहा कि हम अपने इस पिथौरागढ़ को सुंदर और स्वच्छ बनाने की मुहिम में हाथ बटाएं और इस पिथौरागढ़ को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम घर घर तक पहुँचाएँ और इसमें पूर्ण मनोयोग के साथ भागीदारी करें। जिले की 63वीं वर्षगांठ है। सबसे पहले मैं जनपद पिथौरागढ़ वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर शहीद स्मारक स्थल में हमारे द्वारा 63 दिए शहीदों को नमन करते हुए पुष्प अर्पित करते हुए जलाए गए, साथ ही साथ 63 पौधे भी मानसरोवर यात्री वाटिका में लगाए गए।